नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं 24 घंटों के अंदर हम किस प्रकार से फिनो पेमेंट बैंक का CSP ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन काफ़ी बढ़ गई है, इसी को देखते हुए फिनो पेमेंट बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है CSP VLE के लिए। दोस्तों हम भी काफ़ी टाइम से फिनो पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं इसके अंदर, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप फिनो बैंक की AAPS कर सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस की सर्विस है और किस प्रकार से आप 5 मिनट में किसी भी व्यक्ति का आप खाता खोल सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक में, और हैंड टू हैंड उन्हें ATM और उसकी पासबुक को भी उन्हें कस्टमर को आप दे सकते हैं। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक की, कि आप अगर इसकी ATM मशीन को लेते हैं तो वो रेंटल फ्री है और आप लाइफ टाइम उससे पैसे निकाल सकते हैं किसी भी कस्टमर के और उनके खाते में जमा कर सकते हैं। उसकी सर्विस भी मैं अपने डैशबोर्ड में दिखाऊंगा फिनो पेमेंट बैंक की। आपको पता ही होगा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ गई है, अगर हम CSE के DigiPay को सिर्फ पकड़े रहें तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमें कुछ और भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक हो या फिर पेटीएम का पेमेंट बैंक हो। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, लेकिन आज हम जानने वाले हैं किस प्रकार से फिनो पेमेंट बैंक की CSP हम 24 घंटे के अंदर ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से। दोस्तों अगर आप भी फिनो पेमेंट बैंक की रिटेलरशिप लेना चाह रहे हैं, इसकी CSP आप खोलना चाह रहे हैं, हमारी रिटेलर से बात हुई, उनकी मैं पूरी डिटेल अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसकी सारी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं उनके माध्यम से। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे फिनो पेमेंट बैंक की प्रोडक्ट के बारे में, कि कौन कौन सी सर्विस इसके अंदर है, और इसकी डैशबोर्ड भी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या सर्विस लाइव है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमें मिल जाता है दोस्तों कि सेविंग अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, वो भी 5 मिनट के अंदर, और ATM तुरंत हैंड टू हैंड उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं और हैंड टू हैंड उन्हें पासबुक भी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक के अंदर हम करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। BPay में बहुत सारे बिल पेमेंट आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। कार्ड की बात करें दोस्तों तो फिनो पेमेंट बैंक हैंड टू हैंड आपको कार्ड दे देती है, प्रोवाइड कर देती है ATM। अगर आप इसकी फिनो पेमेंट बैंक की CSP ले लेते हैं तो आपके पास 20 अकाउंट खोलने के लिए आ जाती है किट और ATM आ जाती है, जिसे आप हैंड टू हैंड किसी भी कस्टमर को प्रदान कर सकते हैं। डीजी अकाउंट की बात करें तो 0 बैलेंस में ये अकाउंट हमारी ओपन हो जाती है फिनो पेमेंट बैंक की, किसी भी कस्टमर की हम ओपन कर सकते हैं। बहुत सारी UPI ऑप्शन भी दी हुई है फिनो पेमेंट बैंक के अंदर। इसके बाद हम फास्टैग की भी सर्विस इसके अंदर आ चुकी है, अगर आप अपने शॉप से फास्टैग को सेल करना चाहते हैं तो फिनो पेमेंट बैंक से फास्टैग आप मंगवा सकते हैं अपने पास, और फास्टैग को सेल करके आप अच्छी कमीशन कमा सकते हैं। दोस्तों मैं रिटेलर की पूरी डिटेल अपने स्क्रीन में शो करता हूँ, आप एक बार देख लें। ये डिटेल आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड लोग भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप बच के काम करेंगे, जो हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल होगा उन्हीं से आप कॉन्टैक्ट करें। फिनो पेमेंट बैंक से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ हम आपकी प्रॉब्लम को शूट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको फिनो पेमेंट बैंक की डैशबोर्ड किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फिनो पेमेंट बैंक का डैशबोर्ड, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अकाउंट बैलेंस, अवेलेबल लिमिट, बहुत कुछ ऑप्शन है इसके अंदर। लेकिन हमें जब इसकी मेन सर्विसेज को देखना हो तो हम क्या करेंगे, साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे माइक्रो ATM। फिनो पेमेंट बैंक की माइक्रो ATM की जो सर्विस है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन सर्विस है। एक छोटी मशीन आती है ATM स्वाइप करने के लिए, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मशीन है और काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। किसी भी बैंक का ATM हो हम उससे पैसे निकाल सकते हैं और अपने अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो तो काफ़ी स्मूथली वो वर्क करता है। एक बार अगर हम इस ATM में इन्वेस्टमेंट कर देते तो वो लाइफ टाइम तक हमारा काम देता है, क्योंकि इसकी कोई रेंटल चार्ज नहीं है। अगर हम एक बार पेमेंट कर दें इस माइक्रो ATM का तो हमें फिर रेंटल चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ATM रेंटल फ्री है। सेकेंड ऑप्शन जो मिल जाता है हमें फिनो पेमेंट बैंक की, वो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों आधार नंबर के माध्यम से हम किसी भी कस्टमर का कैश विथड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन स्टेटस या फिर AEPS स्टेटमेंट देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का हम आधार के माध्यम से उनका पैसा डिपॉजिट या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्वर थोड़ा कुछ स्लो है, जिसके कारण मैं सारे सर्विसेज को नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएंगे इसमें। मेन पॉइंट जो है वो आपको इस डैशबोर्ड में देख सकते हैं, जैसा कि कैश बाजार रहा, मर्चेंट सपोर्ट रहा, डैशबोर्ड रहा, या फिर कैश कलेक्शन की पूरी डिटेल देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार का रिविजन है, ट्रांजेक्शन डिटेल है, रिपोर्ट है,
किट मैनेजमेंट अगर देखना चाह रहे तो वो आप देख सकते हैं, ज्ञानकोश है, मर्चेंट एग्रीमेंट है, और भी जो सर्विसेज हैं इसके अंदर वो सारी यहाँ पे शो करती है। काफ़ी बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रही है दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक, और काफ़ी तेज़ी से भारत में ये बढ़ रही है। अगर आप भी फिनो पेमेंट बैंक की CSP लेना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैंने कहा है कि पूरी डिटेल दी हुई है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनके माध्यम से। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।